हेलो जी, हम मिल रहे हैं शाम के 6:30 बजे। शाम के 6:30 बजे हैं और मैं आई हूँ छत पे सारा काम धाम समेट के। उधर शर्मा जी अभी आएंगे, वो आए नहीं है। वो अभी एक तो उनके ये होते ना, ये उनको सही कर इसमें लगता है उनको टाइम बहुत ज़्यादा टाइम खा जाते हैं, इसी में लगे रहते हैं। और मैंने अभी अपने बर्तन वर्तन साफ़ करके क्लीन करके सब छोड़ दिया। और मैं क्या कह रही थी आप लोगों से कि हाँ, अब मैं बता देती हूँ आपको कि क्या किस चीज़ के कारण मैं इतना खुश हूँ। तो देखो, मैं आप लोगों को कह रही थी ना कि मैं गाँव जाऊँगी, मैं यहाँ पर परेशान हो चुकी अब। तो शर्मा जी ने एक फैसला लिया है, ये कह रहे हैं कि अब अपन नीचे वाला घर शिफ्ट करते हैं। पहले जैसे क्या था कि इतने बड़े घर में फिटिंग करवाना, पेंट करवाना पॉसिबल नहीं लग रहा था। ये कह रहे थे नहीं करवाएंगे क्योंकि बेसमेंट में तू रहने वाली नहीं है, ये इस तरीके की बातें हो रही थी। फिर मेरे को बोले चल पेंट करवाते हैं, कलर करवा के और फिर उसके बाद में वो करेंगे, फिटिंग भी करवा लेते हैं, रहा जाएगा तो रह लेंगे, नहीं तो फिर उसको किराए पर दे के 2-3 महीने में, दिसंबर में तो ऊपर काम शुरू करना ही है। मैंने कहा ठीक है मैंने एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो फिर मैंने भी थोड़ा एडजस्ट किया, मैंने कहा चलो नीचे बेसमेंट में रहने का सोच लेते हैं। तो अब होगा उसमें पेंट और वहाँ पे जो लोग मेरे से नए जुड़े जिनको नहीं पता उनको बताती हूँ। देखो आप ऊपर एक रूम देख रहे हो, गेट देख रहे हो, ये फिर ये सीढ़ियाँ देख रहे हो, ये एक छत पे आ रही है। अब ये छत किस चीज़ की है? बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपका घर समझ में नहीं आता, ये छत पे रहते हो आप, घर कहाँ है? छत दिखती है, घर कहाँ है? घर नहीं दिखता। तो घर देखो, ये जो एंट्रेंस है ना, इसमें नीचे घर है, पूरा घर है। जिन्होंने देखा है उनको पता है, 2 रूम है और हॉल है, किचन है, सब कुछ अच्छे से है और कई अलमारियाँ भी बनी हुई हैं। बस उनमें गेट नहीं लगाए हैं, मतलब वो होता है ना शोकेस टाइप में है। तो नीचे एक टाइप से सारा सही है लेकिन बस उसमें पेंट नहीं है और बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो वो उन चीज़ों के कारण हमने जब हम लोग आए थे ना, जब सोचा था कि हम नीचे रहें कि ऊपर रहें, लेकिन नीचे खर्चा ज़्यादा लगता ना, सारे में कलर करवाना, इतने बड़े में बिजली की फिटिंग करवाना, बहुत अच्छा खासा पैसा चाहिए उसमें। फिर हमने उस चीज़ को छोड़ दिया, हमने सोचा ऊपर एक रूम में रह लेंगे। मैंने कहा था चलो कोई बात नहीं, रह लेंगे। फिर एक रूम में भी आप जैसे कि नहीं रह जाते यार, बहुत परेशान हो चुके। सारा देखो कैसे बिखरा पड़ा रहता है सामान, बर्तन बार साफ़ करना, और किचन में अगर सिंक ना होना तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए फिर अब इन्होंने बोला ना कि नीचे का करते हैं, चल कोई दिक्कत नहीं है, पेंट वगैरह करवाते हैं। पेंट करने की मतलब वो करवा लेंगे सफ़ेदी कली, देखो उसमें घड़े में भिगो रखी है, पुट्टी वगैरह रहने देंगे। ऊपर पुट्टी करवाई थी हमने, शिवांश और नहीं बोले पुट्टी नहीं करवाएंगे, सफ़ेदी करवा लेंगे। सफ़ेदी से भी अच्छा लुक आ जाता है और परेशानी कम होएगी, मतलब ऊपर से तो नीचे ही सही है। सफ़ेदी क्या हमें मतलब वो होता है ना, पुट्टी में और सफ़ेदी में कलर का ही तो फर्क है भाई साहब। किसी भी आदमी को, हाँ अगर किसी भी शादी शुदा पुरुष को शादी के बाद में कुंवारे वाली फीलिंग लेनी है संडे को, तो टोटका बताता हूँ। बताओ टोट का ये है कि शनिवार को बीवी को इतना भर दो तेरे लिए ये कर रहे हैं, तो ऐसे रहना, फिर तो ऐसे रहना, तेरे लिए ये कर रहे हैं। आज पूरे दिन अब ना क्या है, शाम के टाइम में सच बता रहा हूँ, कोई मतलब झूठी बात कह रहा था कि आप 2 दिन से चढ़ा रहे हो झूठे चढ़ा। वो तो काम दिख रहे आपने, काम तो करोगे ही, लेकिन काम कर रहे हैं ना, उसमें क्या है। तो काम करते तो बीवी खुश होती है। पहले मुझे बोला नहीं गया 7:30 बजे तक करना के सोया, फिर मैं बच्चों को नैनी को स्कूल छोड़ के आया, उसके बाद में आया आके फिर खाना दातन करी थी, सिर्फ दातन करके और फिर वो किया, खाना खाया, खाना सो गए। 11:30 12 बजे नैनी को 11:15 बजे लेके आया, उसी टाइम में सो गया था। फिर मैं उठा 4 बजे सही शाम को, 4 बजे उठ के और फिर अब नाए थोड़ा सा करके मैंने डिस्टर्ब इसने नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब ये अपने लिए इतना सोच रहे हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है। मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो नीचे पेंट हो जाएगा, देखो किचन में पेंट होगा, कितने अच्छे से किचन सेट हो जाएगी, फिर कली होगी वैसे पेंट, क्या कह रही हूँ मैं। और रूम 2 है तो एक रूम में बेडरूम हो जाएगा, शिवांश और नहीं, दूसरे रूम में एक्स्ट्रा सामान हो जाएगा। जैसे अब ये है, 2 कूलर भी हैं और भी छोटा मोटा बहुत सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहा है। 3-4 चारपाई है मेरे पास नीचे पड़ी हैं स्टोर के, जैसे गंदी हो रही हैं, तो वो सारे सेट हो जाएंगे। दूसरे रूम में बेड हो जाएगा, आंगन में सोफा हो जाएगा, तो एक टाइप से पूरा घर जो है ना वो सेट होएगा। अब देखती हूँ बस, मेरी वो होता है ना मेहनत
मेरी मेहनत लगेगी, मेरी मेहनत से ये जल्दी से जल्दी सही होएगा। शर्मा जी की भी मेहनत तो लगेगी ना, हमारी कोई मेहनत नहीं लगेगी। नहीं, आपका तो ये लगेगा कि आप पेंट वगैरह कराओगे, घर तो सेट करने मेरे ऊपर ही है ना, मैं कैसे करती हूँ, खुद ही सेट कर लेगा मान तो करना, सामान ही तो सेट करोगे यार। उसको सामान को एक आदमी होता है ना, वो रखवा देता है सही जगह पे, उसके बाद में उसको घर को संवारना तो एक औरत के आदमी होता है ना, वो किस तरीके से संभालती है। मेरे को कई लोग कहते भी हैं कि एक कमरे का काम करके थक जाती हो, कैसे करती हो एक कमरे में यार, ज़्यादा परेशानी होती है। आप नीचे घर देखना आप कैसे सेट करती हूँ मैं, ठीक है। तो मजा ले रहा है, ये मूछ पहन आई गई, बोली देर हो गया ना, तो सेट कर रहे हो अभी मेरी मूछ, एक घंटा होगा ना सेट करता। और आप लोगों की कमेंट्स आए पता है क्या, कि दीदी आप जब से लॉन्ग इयर रिंग्स पहनने लगे ना, आप अच्छे लगते हो। तो थैंक यू, मैं अब चेंज करती रहूंगी, ठीक है। मुझे ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना, वो उतनी अच्छी नहीं लगती यार, मैं नहीं पहनती थी, लेकिन इनके कारण ना, इन्होंने जबरदस्ती की, इन्होंने दिलाए तो मैंने पहनना शुरू कर दिया, मैं पहनना करूंगी, ठीक है। और हाँ, सबसे बड़ी बात एक बताऊँ आपको, काम आज शुरू हो जाना चाहिए था, कल मजदूर इन्होंने कर दिए थे, लेकिन उन्होंने आज सुबह आने के टाइम के, मतलब उनका आने का टाइम हो गया था, उसके 15 मिनट बाद फोन आया कि उन मजदूर में से एक की सासू माँ गई, तो वो नहीं आएंगे, तो इसलिए ये फिर ये थोड़ा सा कल के लिए हो गया। अब कल एक दिन लेट सही, वो कम से कम सासू माँ के पास तो रहे भाई साहब, अपने इसके क्या बोलते हैं, मोगरा के फूल आ गए, बहुत ही सच में मोगरा के फूल आ गए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दो ही फूल है, रुको ये देखो, दो फूल आए और दोनों फूलों में बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, लेकिन लौकी के फूल जड़ रहे हैं यार, इसका कोई इलाज बताना। ये देखो तीन चार फूल आए थे, तीनों चारों जड़ गए ऐसे ही, अभी आगे आ रहे हैं, जड़ गए, धोनी देनी पड़ेगी। हाँ, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये देखो दिखा, ये आने शुरू हो गए, ये है पिछले तीन चार महीने की मेहनत, अब जाके सफल हो रही है। और ये सारा लुक जो है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा था सुबह जब फूल खिलते हैं ना, जब बहुत प्यारा लुक देता है। इनको ना ऑफिसर्स फ्लावर बोलते हैं, आप लोगों ने बताया मेरे को, तो ये फूल जो है ना, ये इस टाइम तो मुरझा गए, लेकिन जब सुबह खिलते हैं ना तो इतना प्यारा सा लुक आता है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए फिर, मैंने बहुत देर तक बक 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 कर ली, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से क्या होना है, और कल से शुरू हो जाएगा काम, फिर ज़्यादा से ज़्यादा पाँच छः दिन में हम नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। और कोई फिर भी नहीं आ रहा कोई भी काम करने के लिए, लाइट वाले से भी बात हुई, एक आदमी से हुई, फिर दूसरे से हुई, तीसरे से हुई, कोई नहीं आया अभी तक। मेरी तो किस्मत में फोड़ा है ना, लेकिन आ जाएंगे, किस्मत में लिखा हो कंकर फिर क्या करेगा शिव शंकर। लेकिन ऐसा नहीं है, किस्मत बदलती है कर्म से, कर्म करने से किस्मत बदल जाती है, होएगा, दो दिन लेट हो जाएगा लेकिन होएगा, आएंगे वो लोग भी काम करने के लिए। तो चलिए फिर, हाँ बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कभी भी इंसान की दिशा से दशाएं नहीं बदलती, और दशाओं से दिशा से दशा नहीं बदलती, लेकिन दशा से दिशा बदल जाती है ना, दिशा से दशाएं बदल जाती हैं। अगर मेरी दिशा है कि मुझे ये करना है तो सब कुछ सही हो जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक। यस, मैं तो इसी चीज को मानती हूँ, देखो काम करने से, कर्म जो होता है ना, कर्म करने से हम हर एक चीज को हासिल कर सकते हैं, हर एक चीज हमें मिल सकती है, बस काम करते रहना चाहिए, काम करना नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा, मैंने बाय कर रहा, थैंक्स फॉर वॉचिंग कर रहा था, फिर दोबारा प्रवचन चालू, चलो ठीक है, बाय बाय तो दिया था।